Good afternoon, viewers. I am once again Dr. Sonal Motta with you. With blessings of Health Library and blessings of Dr. Zaveid Motta, we are starting this program. Pulwanti Ben Hijji is with us. She had problem of back pain. आपको कमर की तकलीफ कितने समय से थी? 5 वर्ष का. डॉक्टरों ने आपको क्या ओपिनियन दिया था? ऑपरेशन करवाने का ही बोला था. आपको क्या तकलीफ थी कमर में? कमर में मेरा एक साइड जरा दबा हुआ था, एक साइड ये था मेरे कमर में और नीचे कमर के का जरा गैप ज्यादा हो गया था. आपको दर्द कमर से पांव में आता था क्या? मेरा सर्वाइकल में कमर से पांव तक कमर में से आता था, मेरी नस दबाती थी. कमर का दर्द आपका घुटनों तक जाता था? हाँ. या कमर में ही था? नहीं, कमर और घुटनों तक जाता था. नस खींचती थी क्या? एकदम मेरा नस खींचती थी, मैं सो नहीं सकती थी रात रात. अच्छा. रखती थी इतना मेरे को, फिर जरा भूखा हो जाता था मेरे. आप पट्टा पहनते थे क्या कमर के लिए? हाँ, थोड़ा दिन मेरे को बोला था डॉक्टर साहब ने, जगह बताने का, थोड़ा दिन पट्टा भी पहन के रखो और आप एक्सरसाइज भी करो, 15 दिन में आपको देखना कितना फर्क लगता है. फिर मैंने 15 दिन में मेरा पट्टा भी छूट गया और मैं एक्सरसाइज अभी तक करती हूँ. माई डियर व्यूअर्स, ये बात नोट करनी है कि उनकी तकलीफ चली गई है तो भी एक्सरसाइज चालू है, क्योंकि स्टिफनेस ना आए और मसल्स में ब्लड स्टिफनेस ना आवे, मसल्स टाइट रहे और ब्लड सर्कुलेशन में इम्प्रूवमेंट आवे, इसके लिए तकलीफ ठीक हो जाने के बावजूद भी आपको एक्सरसाइज हमेशा चालू रखनी है, जो हमेशा चेंज होती जाएगी. जब आपको तकलीफ है तो एक सेट ऑफ एक्सरसाइज आएंगी, जब तकलीफ कम हो जाती है तो दूसरी सेट आएगी और बाद में तीसरी सेट आएगी, जिससे आपको तकलीफ वापस आवे ही नहीं. तो आपको इस हर आपको पूरी पूरा ट्रेवल करने के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान आपको डॉक्टर को फॉलो करना है. ऐसे नहीं कि आप हार गए, डॉक्टर को छोड़ दिया, दूसरे डॉक्टर को ले लिया. हम इनको इसीलिए लाए हैं क्योंकि ये 75 इयर्स की है और अभी तक एक्सरसाइज करती है. अभी वो कौन सी एक्सरसाइज करती थी जिसे उनको फायदा हुआ, ये आपको बताएंगे. फुलवंती बेन आप बताइए. मड़े बताइयो कसरत, ये पहली एक्सरसाइज है जो बताते थे. दोनों पांव को, एक पांव को कुर्सी पे रखना है, 1 से 20 काउंट करें तब तक, फिर वो पांव नीचे रखना है और बाद में दूसरा पांव रखना है 1 से 20 तक, सामने कुर्सी पर रखना है, एंकल का पार्ट आपका कुर्सी पे रहेगा. फिर धीरे दोनों पांव को कुर्सी पे रखना है. ये हो गई फर्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइज, ऐसे आपको 20 दफे करना है. अब दूसरी एक्सरसाइज है कि दोनों कुर्सियों का सपोर्ट लेके आपको दोनों हाथ से कुर्सियों को पकड़ना है और पांव को जैसे पेंडुलम चलता है ऐसे चलाना है. इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, स्टिफनेस मसल्स की कम होगी और बैक में भी राहत आएगी. अभी थर्ड ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज बताते हैं. हम मार्चिंग करते हैं, ऐसे प्रेक्षकों हमें करना है दोनों कुर्सियों के हेल्प से, जैसे मार्चिंग करते हैं ऐसे. जितना टाइम आप कर सके उतना करना है. जब एक्सरसाइज का पावर बीमारी के पावर से बढ़ जाएगा तब आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी. अभी चौथी एक्सरसाइज वो आपको बताएंगे जो वो करते थे. दीवार पे खड़े रहते थे, दोनों हाथ कैसे रखते हैं आप बताइए जरा. पीछे होके 4 उंगलियां पीछे और 1 अंगूठा आगे, ऐसे आपको खड़ा रहना है दीवार का सपोर्ट लेके, पांव को सेपरेट रखना है व्यूअर्स और नीचे झुकना है जितना झुक सके इतना, और ब्रेथ को छोड़ना है, मुंह से हवा को छोड़ना है. ऐसे 50 दफे करना है. अगर आपको दर्द होता है करने टाइम
तो 10-10 दफे करके आराम करके बाद में करना है। जितनी टाइम आप कर सके उतनी टाइम आपको करना है। अच्छा, अभी आप एक्सरसाइज करते हैं फूलबंदी में? हाँ, मैं अभी तक रोज करती हूँ, सवेरे और शाम को। और अभी हमारे पास ट्रीटमेंट लेने को नहीं आते हैं, पर एक्सरसाइज से ही उनका काम चलता है। अभी आपको कमर में दर्द होता है क्या? नहीं, अभी कमर में दर्द नहीं होता है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। उल्टा मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो एकदम फ्रेश हो जाती हूँ, थकान भी नहीं लगती है मेरे को।